हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? ठीक ठाक हो? वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड नाउ मैं आई हूँ मार्केट से। थोड़ा सा मार्केट का काम था, रात ही मैंने ना मार्केट गई। मैं सुबह की तैयारी कर रही थी मार्केट जाने की, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या बताऊँ आपको, कि मैं जा ही नहीं पाई। और अभी गई थी, अभी भी बहुत गर्मी थी। आती ही मैंने ये देखो पानी पिया, एक शॉप से भी मैंने मांग के पानी पिया, और मेरा बेटा भी साथ में गया। जबकि जिस काम के लिए मैं गई थी ना, वो काम ही नहीं हुआ, उसने कुछ मुझे ना लेने ही नहीं दिया। तो अभी मेरी सब्जी है ना, मदर इन लॉ ने काट के रख दी है, अभी इसको मैं ना बस फटाफट तड़का लगाऊंगी। खट्टा था ना जो, वो मैं सुबह ही लगा के गई थी, और उसको पॉपकॉर्न वगैरह बना के दिए थे। मेरे किचन भी बहुत मैसी हो रखा है, इसकी भी क्लीनिंग करनी है मुझे। आते ही मैंने पिया 2 ग्लास वाटर, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम मेरी हुई नहीं है। मैंने एक दुपट्टा लिया और उसको मतलब डाई करने दिया। डाई वाले को भी मैंने मंडे का ही बोल के आई हूँ, क्योंकि संडे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। और सेकंड उसके लिए लाना था मुझे सिपर यूज़ के लिए, तो वो लेके आई हूँ। एक ब्राउन ब्रेड का पैकेट बस यही लेके आई हूँ, दो थिंग्स शायद मे भी, और चॉकलेट लेके आई हूँ उसके लिए। बस इतना सा काम किया, और मैंने जल्दी जल्दी मैंने एक्टिवा पर उसको आगे तो खड़ा तो कर लिया, लेकिन वो इधर उधर मूवमेंट करता है बहुत ज़्यादा, तो ट्रैफिक पता आप लोगों को बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ना फिर परेशानी होती है। तो आज तो मैंने मिस्टेक कर ली उसको लेके जाने की, क्योंकि अभी वो 2 ईयर्स का ही है, तो आगे से मैं ना कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगी कि उसको साथ में लेकर मार्केट जाए, चाहे मुझे धूप में ही जाना पड़े, है ना। तो कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि ऐसे सबसे ज़्यादा मतलब 2 ईयर्स के बच्चे को एक्टिवा के आगे खड़ा करके लेके जाना तो पॉसिबल है ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ये। तो कभी भी ये वाली मिस्टेक ना करनी नहीं चाहिए। वैसे तो मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ हर काम, पर फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन वही मेरे साथ हुआ। ट्राई के चक्कर में तो मतलब उसको संभालना, फिर मैं कुछ लेके भी नहीं आई, और वही है जो लाना था वो भी मेरे दिमाग से स्किप हो गया। अभी भी मुझे घर आके भी याद नहीं आ रहा कि मैं लेने क्या गई थी और लेकर क्या आई हूँ। बस मैं सूट सिलने गई थी, और वो टेलर की शॉप भी नहीं मुझे मिली, और एक इसका बर्थडे की पेन ड्राइव थी, फ़ोटोज़ करी थी, और वो पेन ड्राइव लेके आई हूँ। बस ये 3-4 काम छोटे मोटे, और वही मैं करके आई हूँ ना। बॉटल को ना मैंने ढक्कन लगवाना था, ये ना तब की बॉटल है जब मैं टीच करती थी, तब की ना ये वेस्ट कर रखी है बॉटल। ये बॉटल बहुत अच्छी है, इसमें ना पानी है ना जो बहुत टाइम तक कूल रहता है, और कहीं भी दे जा भी उससे। तो इसका ढक्कन मैंने पूछा था शॉप वाले से, तो बोला ढक्कन मिल जाता है, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको लगवा लाती हूँ। लेकिन फिर वही है, मुझे काम भी मेरा ना रह गया, क्योंकि जल्दिया भाजी में बॉटल मैं भूल गई, और मैं ना अभी एक्टिव आना जो पापा वाली लेके गई थी उसकी कंडीटी बहुत छोटी है, उसमें इतना ज़्यादा सामान भी नहीं आता। और जो मेरे वाली हूँ मेरी मैच को, तो उसकी ना जो है डिक्की काफ़ी बड़ी है, तो उसमें स्मार्ट भी आ जाता है, और ये काम भी मेरा रह गया है ना। हेलो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ की सब्जी। मैंने ना आज ये हैवी वाली कढ़ाई ली है, तो उसकी कढ़ाई भी मेरे पास है, लेकिन उसमें ना मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं बनती, तो आज मैंने थोड़ी हैवी वाली ली है। तो इसमें ना फटाफट मुझे थोड़ी जल्दी है, तो मैंने सोचा मैं फुल गैस करके ना थोड़ी जल्दी फास्ट इसमें सब्जी बना दूंगी, क्योंकि आज है ना कैसे है ना बड़े गर्मी होते तो खाना जल्दी बनाना पड़ता है। वैसे तो हम दो थे तो तीनों थे, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी अभी, कभी भी हम खाना ना इधर उधर बाहर से खाते थे। इस कढ़ाई में मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, इसमें ना थोड़ा सा पानी था तो वो अभी चल रहा है फटाफट, क्योंकि मुझे जल्दी है, तो मैं इसलिए फटाफट कढ़ाई रख दी। और साथ में मैं ले रही हूँ जी फीकी चाय, क्योंकि मुझे ना कहीं से भी आकर चाय पीने की बहुत हैबिट है, तो मैंने बिल्कुल लाइट मीठा डाला नहीं इसमें, तो फीकी दे रही हूँ, बस वही हैबिट है पीने की, तो रहा नहीं जाता है ना। मुझे तो वैसे इसकी खास जरूरत भी नहीं थी अभी मुझे ना। अभी मैं डालूंगी इसमें मस्टर्ड ऑयल, जब तक ऑयल पकेगा तब तक मैं ना निकाल लाऊंगी। ओ माय
माय गॉड, ऑयल तो मुझसे ज़्यादा ही गिर गया। चलो कोई बात नहीं, अब चलेगा इतना तो सब्जी भी अच्छी बन जाएगी। फिर अभी मैं खाती हूँ, जब तक ऑयल होता है तब तक मैं लगातार खाती हूँ। मैं मार्केट से क्या कुछ लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ मैं ब्राउन ब्रेड, जो मेरा बेटा है सैंडविच का बहुत शौकीन है, ये लेके आई हूँ उसके लिए। मैं डेयरी मिल्क चॉकलेट उससे छुपा कर ला के आई हूँ, अभी मेल्ट हो रखे हैं, फ्रीजर में लगानी है, इनको लगा दूँगी मैं फ्रीजर में। और ये लेके आई हूँ मैं उसके लिए सिपर, उसने ना मैंने मेरी मुझे रेड और इसमें और भी कलर पसंद थे, लेकिन उसकी ये थी कि ये डॉल्फिन का है तो बोल रहे थे कि अच्छा है। मैंने उसको बोला था कि अच्छी प्लास्टिक का ही देना, लेकिन ग्लासेस का तो मैं लेके नहीं आ सकती क्योंकि अभी है ना वो तोड़ देता, तो ये उसके ना जूस वगैरह के लिए मैं लेके आई हूँ। जब तक तेल होता है हम करते हैं थोड़ी बहुत ही बातें, ये लेके आई हूँ मैं उसके जूस के लिए। ये देखो तो क्योंकि वो है ना जो जूस ग्लास वगैरह में पीता तो आधा गिराता है, तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए था कि जो ना मतलब सही है। मैंने फ्लिपकार्ट पे भी देखा था लेकिन मुझे वो मतलब अच्छे नहीं लगे, तो मैं ये चेयर लेके साइज में भी छोटा है और दिखने में भी अच्छा है। अब ये लेके आई हूँ मैं किचन के लिए माइक्रो फाइबर, ये मुझे सल्फ के लिए चाहिए था क्योंकि मेरे पास सभी है ना जो ख़त्म हो रखे थे, तो पहले भी थे, इसमें तीन ही पीस है तो ये चल जाएंगे, बहुत टाइम चल जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इसकी साइज भी बड़ा है तो सही है। बस इतना ही सामान लेके आएंगे, एक दुपट्टा है वो डाई करने दे के आई हूँ, और एक सूट सिलने के लिए दे के आई हूँ। काम तो बहुत है लेकिन बहुत जल्दबाजी में बस काम कहाँ होते हैं ना। अभी मेरा तेल हो गया है गर्म, इसमें मैं डालूँगी पहले भिंडी, भिंडी की सब्जी है ना तो पहले भिंडी डालूँगी क्योंकि जब तक भिंडी है ना थोड़ी ठीक हो जाएगी उसके बाद ही मैं डालूंगी इसमें प्याज। थैंक गॉड कि मेरी सब्जी पक गई, नहीं तो मुझे आकर वही होता कि मैं क्या बनाऊँ। मैंने तो खाना खाना ही, आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं ना खाना नहीं खाती, इस टाइम मैं खाती हूँ मशीन चल गया जो कि छुट्टी करती हूँ। बस रेसी के लिए तो अभी रोटी ले भी लेती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती नहीं है। अभी उन्होंने बीच में जैसे भी उनसे काटी थी उन्होंने बीच में ना भिंडी और प्याज ना एक साइड में काट दिया, मैं तो कभी वैसे ऐसे नहीं काटती। चलो थैंक गॉड कि इतने ही बहुत ऐसी सब्जी काटती हुई, प्याज भी थोड़े ऐसे ही हैं, बट ठीक है चलो है ना बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी पता ही आप लोग देते ना, हम लोगों को बहुत लेगी गैस की जो थोड़ी हो जाएगी ठीक, तो उसको मैं कर दूँगी। अभी उसके मसाले की मैं तैयारी कर लेती हूँ कि क्या क्या डालना है, इसमें डाल दी मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, लाल पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, और अब डाल दूँ थोड़ी सी हल्दी। डाल एक बात आपको बताती थी, मेरे पास हल्दी थोड़ी सी नहीं अच्छी थी, तो अभी मैंने बोला नहीं है कि मेरे पास हल्दी कम है, मैंने कहा कि ये बोलना अभी तो जाकर आई हूँ, तो फिर मैंने इसी से अभी सब्जी बना दूँगी। वैसे भी सूखी सब्जी होती है ना वो चलती है, उसमें ना हल्दी कम ही पड़ती है ना, ऐसी ये हो जाएगी थोड़ी हल्की ब्राउन। उसमें डाल दूँगी प्याज और ये भिंडी वैसे भी हमारी है ना जो सब्जी है, इसमें डाल दिया मैंने प्याज, प्याज कटा के साथ में मैं डाल दूँगी इसका जो मसाला है वो, बस को लगाऊँगी 10-5 मिनट में मेरी भिंडी है जो डाल कर रेडी हो जाएगी।
मैं कर रही हूँ दूध गर्म। ये है दूध, मेरा 3 लीटर अभी आया था, तो अभी इसको मैं बॉईल करके फ्रिज में रख दूँगी। और ये मैंने अपने बेटे के लिए गर्म करके रख लिया है। और ये है, इसको मैंने लगाना है अभी जाग। अभी ये ना ड्यूटी है मेरी दूध की, बाकी तो मेरा पूरा काम है फिनिश हो गया। लेकिन अभी भी मेरी किचन है ना जो मैसी है, और आज ना गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरा मन ही नहीं था आज की मैं किचन वगैरह को साफ करके सोऊंगा ना, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि बहुत गर्मी है और जल्दी जल्दी कैसे भी करके ना कमरे में चला जाए, तो मेरा मन नहीं है किचन साफ करने का, इसलिए मैं किचन नहीं साफ करूँगी। तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँगी है ना, पहले मैं किचन की क्लीनिंग है पहले वो कम्प्लीट कर दूँगी। ये मैंने लगा दिया है चाक, इसको लगाना है मुझे चाक। और दूध वाला काम भी है ना जो मेरा लंबा चौड़ा होता है इस टाइम, क्योंकि जब तक दूध ठंडा नहीं होता तब तक उसको फ्रिज में नहीं रख सकते है ना, तो इसलिए ये मेरा काम भी बहुत लंबा चौड़ा है। अभी ये वाला दूध है जो मैं पीने के लिए गर्म करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को आदत है कि खाना वाना खा कर सभी ना एक कप दूध पीते हैं, तो इसलिए ये मुझे इसमें मैं डालूँगी हल्का सा मीठा, क्योंकि मीठा तो मेरा तो बंद है और पापा जी भी मीठा मीठा दूध, तो बस हल्का सा मीठा डाल के उसको अच्छे से बॉयल करने का, जब तक बॉयल नहीं आता तब तक ये बनता ही रहेगा। ये काम हो गया, तो मैं आपसे बातें करते करते ये ज़्यादा वाला दूध मैंने ज़्यादा गर्म कर लिया। अब इसको थोड़ा ठंडा होने में भी टाइम लगेगा ना, हल्की दूध की क्लीनिंग तो मैं साथ में करती रहती हूँ, लेकिन वो ना जो डीप क्लीनिंग हम सल्फ वगैरह साफ करके और स्पेस करके है ना करते, वो अभी मेरा मन नहीं था आज। तो मैं सोच रही हूँ कि मूड ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आज ना मेरा एसी भी को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसमें PI का कुछ फंक्शन आ रहा है, तो वो भी इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रहा, तो भी इस वक्त है ना कोई भी मिस्त्री भी नहीं आएगा जो उसको ठीक कर दे, तो इसलिए मेरे को तो यही टेंशन है कि एसी चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो मेरा बेटा भी पूरी रात नहीं सोएगा, उसको भी बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होती है। और गर्मी है ना जो बहुत ज़्यादा व्यापक वाली गर्मी पड़ रही है आज से, तो कल भी मौसम ठीक था और परसों भी ठीक था, लेकिन आज तो मुझे बहुत गर्मी लगी है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है, इस बात से क्या रीज़न है। अभी आप लोग देखो जो मेरे बर्तन वर्तन भी है ना सब, लेकिन मेरा मन ही नहीं है इनको साफ करने का। ये ना दूध मैं सुबह का था, तो इसको भी खराब कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मॉर्निंग वो जेवा ना भी बोलना ना जरूरी होता है।